एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक अटेम्प्ट करेंगे। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी पर साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए वापस बनाई है। अच्छा जी, ये वाले जो क्वेश्चंस थे इसके अंदर सबसे पहले हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। स्टेटमेंट यहाँ से देख लेते हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इन nth पार्शल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और फिर इसको डिटरमाइन करना है, सीरीज़ को चेक करना है कि वो कन्वर्ज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन तीन क्वेश्चंस को सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले फार्मूला देख लें, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको लिख लिया। एस एन हमारे पास क्वेश्चन था और एस एन माइनस वन का मतलब है कि जहां एन है वहां पे एन माइनस वन कर दो। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में 3 कॉमन ले लिया और फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सिंपली, तो हमारे पास बचा लास्ट में ये वाला फैक्टर। ये फैक्टर बच गया हमारे पास लास्ट में। अब इधर n बिलोंग करता है इन्फिनिटी को, लिमिट हमारे पास क्या था, n बिलोंग टू इन्फिनिटी। तो जब हमने इस पे n की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो ये 3 बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, जो कि इक्वल होता है 0 के। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ज आ गया। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनके अंदर हम लोगों ने 2 स्टेप करने हैं। ये स्टेप 1 था जिसके अंदर हमने फार्मूला पुट किया और फार्मूला पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो स्टेप 2 है वो ये है कि हमने एक्चुअल क्वेश्चन लेना है, हमने एक्चुअल क्वेश्चन लेना है। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, एक्चुअल है। इस पे सिंपल डाइवर्स टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करना है कि n कॉमन ले लें, कटिंग करके लिमिट पुट कर दें n बिलोंग टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास 3/4 आ गया जो कि सम हुआ, और सीरीज हमारे पास क्या है, सीरीज हमारे पास कन्वर्ज है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा जी, इसके अंदर भी वही टेक्निक यूज़ हो रही है, वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, उसी तरीके से हमने इसको लिखा है, n की जगह n माइनस वन वाला बना लिया और फिर इसके अंदर हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेके जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ के अंदर जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है हमारे पास यहाँ पे n बिलोंग इन्फिनिटी। n बिलोंग इन्फिनिटी हमारे पास फैक्टर चल रहा था जब हमने इसके अंदर ऊपर और नीचे से हमने यहाँ से मैंने जो है इसको सिंपली सॉल्व किया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा कि हम इसमें से n स्क्वायर कॉमन लेके इसको जो सिंपलीफाई हमने करना होता है सिंपल सॉल्व कर लिया, आंसर 1 आके डाइवर्ज हो गया। इसी तरीके से जो इसका पार्ट 2 था उसके अंदर हम एक्चुअल फैक्टर उठाते हैं और उस पर डाइवर्ज टेस्ट लगा देते हैं। जब मैंने इस पर डाइवर्ज टेस्ट लगाया तो ये मेरे पास क्योंकि n ऊपर बच रहा था इस वजह से ये हमारे पास फैक्टर n बिलोंग इन्फिनिटी करके डाइवर्ज आ गया, क्योंकि जो हमने इस पे लिमिट पुट की तो इन्फिनिटी आंसर आया तो वो डाइवर्ज था, तो ये फंक्शन डाइवर्ज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास ये फंक्शन था, हमें गिवन था 1/2n। इसमें हम लोगों ने ये किया कि ये एक्चुअल फॉर्म है, एन की जगह हमने यहाँ पे पुट किया है 2। अगर हम एन की जगह पुट करते हैं 2 तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा यहाँ के a की पावर 2 इज इक्वल टू s की पावर 2 माइनस s की पावर 1। तो s की पावर 2 और s की पावर 1 हमें चाहिए था, इसके लिए वो हमने यहाँ पहले फाइंड कर लिए। s1 ऐसे फाइंड करेंगे कि जहाँ n है वहाँ 1 पुट किया, फिर s2 के लिए यहाँ पे 2 पुट किया, तो ये हमारे पास 2 आ गए। और ये वाला a1 के इक्वल होगा जबकि ये वाला फैक्टर a1 प्लस a2 के इक्वल होगा। सेकेंड, इसी के अकॉर्डिंग जब हमने यहाँ 2 पुट किया था तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन के अंदर हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, फाइनली ये आंसर आया। सेम एन वाली टर्म को भी इसी तरह बना लिया कि हमारे पास ये फार्मूला इस तरह होता है, और फिर फाइनली इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद एलसीएम लेके ये आंसर हमारे पास ये आ गया। नाउ द रिक्वायर्ड जो हमारे पास सीरीज बनती है वो 1/2 जो इसके अंदर चल रहा था फैक्टर में स्टार्टिंग वाला, और nth वाला हमारे पास 1/2 की पावर n था, तो 1/2 माइनस दिस टर्म। अच्छा जी, तो एस एन फैक्टर पे जब हम n वाले के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0 हो गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो थे ये थोड़े डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें गिवन है कि इफ हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म है सीरीज है जो कि an, ये कन्वर्ज है, लेकिन जो ये वाली सीरीज है ये इन्होंने कहा ये चीज़ प्रूव करें कि अगर an हमारे पास कन्वर्ज है तो ये वाली सीरीज भी कन्वर्ज है, यूँ हमने फाइंड करना है।
सो हमारे पास दो चीज़ें चल रही थी फंक्शन क्वेश्चन के अंदर, ए एन चल रहा था और ए एन प्लस वन, तो हमने यही तो फंक्शन उठा लिए। और अरिथमेटिक मीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ मैं ब्लैक पेन से पॉइंटर से लिख देती हूँ, अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू के इक्वल, और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है अंडर रूट ए बी के। तो इस तरीके से मैंने ए को मैंने लिया था ए एन और बी को मैंने लिया था ए एन प्लस वन, तो मैंने इन दो फैक्टर्स को इस तरीके से लिख लिया। अब ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के, इस कंडीशन में इन दोनों को लिख लिया। फाइनली बाय 8.16 जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज आ रहा है। तो इस तरीके से हेंस बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हमने कहा कि ये सीरीज जो है हमारे पास क्या आ रही है, कन्वर्ज आ रही है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने इसके अंदर यही पुट करना था कि ये वाली जो सीरीज है ये हमारे पास कन्वर्ज है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर गिवन ये है कि ए एन और ये बी एन ये दो फैक्टर हैं और दोनों जो हैं डाइवर्ज हैं, लेकिन ये जो सीरीज बनती है कि ए एन और बी एन को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास डाइवर्ज है। अब इसके लिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये किया, सबसे पहले हमने ए एन और बी एन एक फैक्टर ले लिए अपने से, ये दो फैक्टर हमने लिए और दोनों फैक्टर जो हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं, डाइवर्ज फैक्टर हैं, लेकिन जब हम इनको ऐड करें तो इनका सलूशन ऐसा आए जो कि कन्वर्ज हो, ये हमारे पास प्रूफ है। तो हमने ए एन और बी एन सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर ए एन और बी एन को ऐड कर लिया, क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अंदर भी यही कहा गया था कि इनको ऐड करो तो ये हमारे पास कन्वर्ज हैं। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास प्लस माइनस करके 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बच गया। और जब हम आप इस पे लिमिट पुट करें, क्योंकि एन बिलोंग करता है इन्फिनिटी को, तो आपके पास आंसर आएगा 0। 0 आंसर की वजह से कि जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। मेरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे सारे, ये वीडियोज़ भी बनाई थी, पर मेरी आवाज़ का मसला हो गया था, साउंड का प्रॉब्लम हुआ था, और फिर इसके लिए मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिए सिंपली।